friends, welcome back to my channel. I am Anupama Verma. Here I will show you how to make delicious delights. तो आज हम नान खटाई बनाने जाएंगे. लोग बहुत different types से नान खटाई बनाते हैं. कुछ लोग मैदा की नान खटाई बनाते हैं, कुछ लोग मैदा और बेसन की नान खटाई बनाते हैं. लेकिन आज हम मिक्स फ्लावर की नान खटाई बनाएंगे. तो let's get started. नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 3/4 कप होल व्हीट फ्लावर, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप बेसन, 1.5 टेबलस्पून सूजी, कुछ कटे हुए बादाम जिन्हें हमने काट के हाफ स्लाइसेस में ऐसे कर लिया है, 1 कप आइसिंग शुगर. अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल शुगर को बारीक पीस कर छान कर यूज कर सकते हैं. 1 कप ये मैंने प्योर देसी घी यूज किया है. अगर आपके पास अगर आप चाहें तो इसमें वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं. 1.5 टीस्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है कार्डमम पाउडर. सबसे पहले हम अपने सारे फ्लावर्स को छान कर मिक्स कर लेंगे. होल व्हीट फ्लावर, मैदा, सूजी, बेसन और बेकिंग पाउडर, इनको अच्छी तरह से छान लेंगे जिससे कि बेकिंग पाउडर इकट्ठे सबके साथ मिक्स हो जाए और इसमें कोई लंप भी ना रहे. जब अच्छी तरह से ये फ्लावर मिक्स हो जाए सारे, तो हम दूसरे बाउल में अपने घी और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह से एक हैंड ब्लेंडर से या स्पून या स्पैटुला से हम उसे ब्लेंड करेंगे. सबसे पहले एक बाउल में हम ये घी इसके अंदर डालेंगे. ये रूम टेम्परेचर पे है घी. इसमें हम ये आइसिंग शुगर ऐड करेंगे. इसे हम स्पैटुला की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे. इसे हम स्पैटुला से पहले अगर मिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट अगर हम इसे हैंड ब्लेंडर से करेंगे तो ये चारों तरफ आइसिंग शुगर स्कैटर हो जाएगी. इसे पहले अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, घी और चीनी को मिक्स कर लेंगे. अब हम हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे. इसे जब तक मिक्स करेंगे तब तक हम ये लाइट एंड फ्लफी नहीं हो जाता. अगर आप इसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स अगर आप हैंड ब्लेंडर यूज नहीं करना चाहते, इसे हाथ से मिक्स करना चाहते तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. ये लाइट और फ्लफी हो चुका है, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, ये वाइट हो गया है बिल्कुल. इतना इसको आपको बीट करना है. अब हम इसमें ये इलायची पाउडर मिक्स करेंगे.
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और दो तीन बैचेस में इस फ्लावर्स के मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। इसमें हमें हाथ से ही मिक्स करना है, इसको हमें ब्लेंडर से नहीं मिक्स करना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। अब अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से आपको एक टोक का शेप देना है। देखिए इस तरह से ये डो लग गया है। इस बीच में आप अपना ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करने के लिए रख देंगे। अब हम अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट करेंगे। जब तक हमारा ओवन प्री हीट हो रहा है हम अपने डो को फ्रिज में रख देंगे। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है, अब हम अपने डो को फ्रिज से बाहर निकालते हैं और नान खटाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। नान इसके लिए हमें डो को पहले एक लॉग की शेप देनी है। और बराबर बराबर छोटे छोटे बॉल्स को बनाना है। थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये नान खटाइस बन गई है। अब हम इन पर ये कटे हुए बादाम इस तरह से प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से ये नान खटाइस मैंने लगाकर ट्रे में रख दिए। अब इन्हें हम 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करें। अब हम अपनी नान खटाइस को ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रखेंगे। हर ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो आप अपनी नान खटाइस को चेक करते रहेंगे बीच बीच में जिससे कि ये ओवर बेक ना हो जाए। मैंने 15 मिनट्स का टाइमर सेट किया है। देखिए अब हमारी नान खटाइस बेक हो गई है। इन्हें मैं कूलिंग रैक पर एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखूंगी। अगर आपकी नान खटाइस का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आया है तो आप 5 मिनट्स के लिए और अपने ओवन की टेम्परेचर की सेटिंग बढ़ा सकते हैं। अब हमारी नान खटाइस ठंडी हो गई है एंड दे आर रेडी टू ईट। एंजॉय। If
If you find this video interesting, please like and share. You can also leave your suggestions in the comment section below. For more such interesting videos, please subscribe to my channel. Thanks for watching.